हम बात कर रहे हैं लिविंग ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप की छुट्टी लेने किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप का मतलब है कि कोई आए दूसरा छोड़ के चला जाए, ठीक है। जैसे अपने पास हमेशा लिविंग ग्रुप चेक करने के लिए फिर तो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो SP3 होना चाहिए। क्या होती है? SP3। जब हम बात करेंगे S1 रिएक्शन की, S1 रिएक्शन मैकेनिज्म, S2 रिएक्शन मैकेनिज्म, E1, E2, तो हम लोगों को बहुत देखने को मिलेगा कि अपने पास ये लिविंग ग्रुप होता क्या है, ठीक है। लिविंग ग्रुप देखो, अपने पास मान लो कि ये कोई चीज है, तो अपने पास ये स्ट्रक्चर कैसा है? SP3 कार्बन है ना। SP3 कार्बन से अटैच ग्रुप ये जो लगा है इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। जब लिविंग ग्रुप जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे, क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब अटैक करेगा कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो लिविंग ग्रुप है ना ये इससे जुदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुदा हो जाएगा, बेवफा हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया और लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। क्या हो गया? लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। जब लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप जो बाहर होता है ना ये डिपेंड करता है, जो लिविंग ग्रुप यहां से डिपार्ट हो रहा है, हट रहा है, ये लिविंग ग्रुप स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये एनायन के फॉर्म ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है, और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो देखो दो चीजें बात आ रही है, लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, गुड बैड नहीं होता, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा? पुअर, हाँ हो सकता है पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन गुड लिविंग ग्रुप है कौन पुअर लिविंग ग्रुप है? तो एक बार समझते हैं, ठीक है। हम बात समझते हैं कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में जब कंपाउंड से कोई ग्रुप अलग हो जाता है, क्या हो जाता है? डिपार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लेकिन ये छोड़ के जाने के बाद इतना कंडीशन इसकी स्टेबल होनी चाहिए कि दोबारा आ ना सके यहाँ पे, ठीक है। दोबारा आ जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक घर में एक मैन नहीं की तलवार रहेगी कि दो रहेंगी। न्यूक्लियोफाइल भी रख लो, लिविंग ग्रुप भी रख लो, तो कार्बन खत्म नहीं हो जाएगा। कार्बन क्या है? मैं 5 बॉन्ड बनाऊंगा, हाँ मेरी क्या जरूरत है, मेरा क्या फायदा है? कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। और 4 बॉन्ड बनाएगा तो किसी न किसी को निकालना पड़ेगा, चाहे न्यूक्लियोफाइल आए के अटैच हो तो लिविंग ग्रुप रहे। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तब लिविंग ग्रुप को जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो कोई ले जाने वाला होना चाहिए। अगर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे स्टेबल हो, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे लोग भी होते हैं ना, जाते हैं 15 दिन रहते हैं फिर आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना हो, ठीक है। स्टेबल हो तो स्टेबिलिटी के लिए क्या कहते हैं कि जितना वीकर बेस होगा, क्या होगा? जितना वीकर बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप कहलाता है। क्या होता है? वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। क्या होते हैं? वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत ये बात समझ आई नहीं? अच्छा वीकर बेस होगा मतलब स्ट्रांग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रांग एसिड। क्या लिखा? वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। क्या है? वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो अच्छा मान लो कि अपने पास एसिड है, ठीक है, और ये अपने पास देखो मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है यहां पे देखो, क्या देखो अपने पास ये OH है। क्या है? OH-। क्या है? OH-। यहां पे Cl-। क्या है? Cl-। यहां पे Iodine-। क्या है? Iodine-। तो अपने पास ये ग्रुप लगे रहे होंगे। क्या है? ये ग्रुप लगे रहे होंगे तो ये एनायन के फॉर्म में। क्या है? एनायन के फॉर्म में। तो ये कह रहा है कि जितना एनायन स्टेबल होगा, जितना एनायन स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होती है। आसिफ का मेरे उसमें रखा है, जो यहाँ पे सामान रखा है ना खाने वाला, ठीक है। तो हम एक बात कर रहे हैं कि वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो मेरे कहने का मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उतना ज्यादा बेस वीक होगा, उतना उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। तो अपने पास मान लो कि से फ्लोरीन दे रखा, ब्रोमीन दे रखा, आयोडीन दे रखा। क्या दे रखा है?
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखो ये हमारे लोग यहाँ पे जो ग्रुप है, एक तो फ्लोरीन अटैच था कभी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब हम इसमें कह रहे हैं कि कौन सा ग्रुप लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा पुअर होगा। तो अपने पास ये सब निगेटिव चार्ज है, तो अपने पास इनका ये क्या है सब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिए होंगे ना, हाइड्रोजन से अलग होगा कंजुगेट बेस कहला रहा है। और जितना ज्यादा बेस कमजोर होगा, जितना ज्यादा वीक होगा, उतना ज्यादा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो बताओ इसमें कौन सा वीकर बेस है, वीक बेस कौन सा है, जो स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें सबको देखो इनको एच दे दूं, ये एच एफ बनाएगा, ये एच सी एल बनाएगा, ये तुम्हारे क्या बन गए एच बी आर, और ये क्या बनेगा एच आई। ये सब एसिड है कि नहीं, ठीक है। अब इनकी एसिड स्ट्रेंथ अगर पता चल जाए तो हम बता देंगे ना कि वीकर बेस कौन है। तो बताओ इसमें कौन सा सबसे अच्छा एसिड है, एच एफ अच्छा एसिड है। एच आई अच्छा एसिड है, ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में एसिडिटी बढ़ती है। अभी अभी हमने बताया यार कि जैसे जैसे साइड बढ़ेगा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। हम हाइड्रोजन हटा के तो क्लोरीन माइनस लिख रहे हैं, हम हाइड्रोजन हटा के तो क्लोरीन माइनस लिख रहे हैं, हम हाइड्रोजन हटा के तो ब्रोमीन माइनस लिख रहे हैं, हम हाइड्रोजन हटा के तो आयोडीन माइनस लिख रहे हैं। अब हमें आयोडीन निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा आयोडीन में स्टेबल है, ठीक है। तो ये कंजुगेट बेस है क्या, कंजुगेट बेस है। तो अपने पास जितना वीकर बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर फ्लोरीन माइनस। तो क्या है ये गुड लिविंग ग्रुप है, क्या है गुड लिविंग ग्रुप। तो इसकी जो मतलब हटने के जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी डिपार्ट कर जाएगा, वो आसानी से हटेगा और हटने के बाद स्टेबल होगा। क्या होगा ये बेस का बता देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ एसएफ की होगी, फिर एससीएल की होगी, अगर एसटी की स्ट्रेंथ की बात करेंगे एचआई की होगी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, इंक्रीज करेगा, जितना स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा उतना लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में क्या सबसे स्टेबल कौन सा एनायन है, आयोडीन। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, ठीक है, then tendency of living group increase, tendency of living group increase, कोई दिक्कत। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी उतना ज्यादा वो लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होगा, उतना ज्यादा वो डिपार्ट करेगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, अपने पास एक चीज दे रखा है RO- क्या दे रखा है, RO-, ठीक है, RO-, और ये दे रखा है देखो ये क्या दे रखा है RO-, और ये दे रखा है फिनॉक्साइड आयन, क्या दे रखा है फिनॉक्साइड आयन। अपने पास ये क्या दे रखा है फिनॉक्साइड आयन, तो देखो यहाँ पे दे रखा है ये RCO डबल बॉन्ड वो AST एसेटेट आए हैं। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा, ठीक है। अगर सबको हाइड्रोजन दे दिया जाए, ठीक है, देखो अपने पास पहले तो इनका एसिड बना लो, ये वाला होगा, हां देखो ये अगर इसका एसिड देखा है तो ROH है, ठीक है। अपने पास ये क्या है फिनाल है, क्या फिनाल इसका कंजुगेट बेसिक लिखा है, अपने पास ये क्या है ST एसिड, ये एसिड है और ये क्या है बेस है। हम कहते हैं हम ये बात बार बार कह रहे हैं, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उतना वो वीकर बेस होगा। अच्छा अपने पास देखो यहाँ पे ये स्ट्रांग एसिड है, क्या है स्ट्रांग एसिड है, तो इसका बेस वीक हुआ, तो अपने पास स्ट्रांग एसिड का वीकर बेस होगा, तो अपने पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, ठीक है। अच्छा देखो क्या मिलता है, अपने पास ये निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो अपने पास देखो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे रेजोनेंस देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है रेजोनेंस देखने मिल रहा है। अच्छा कभी ये निगेटिव चार्ज इस एटम पे इस वाले ऑक्सीजन पे है, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे, अगर मैं बात करूँ तो क्या ये चीज गलत लिखी है, एक बार अगर मैं इसे वन ए लिख रहा हूँ, ए ऑक्सीजन एटम, इसे बी लिख रहा हूँ,
तो एक बार तो ए पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले में दूसरे टाइम बी पे निगेटिव चार्ज है, तो अपने पास यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर स्टेबल होता है देन अनइक्वल रेजोनेंस, अनइक्वल इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो अपने पास यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या पाया जा रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस जब निगेटिव चार्ज सेम एटम पे हो, क्या हो? सेम एटम पे हो, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, दूसरी बार गया निगेटिव चार्ज तो कहां पे गया? ऑक्सीजन पे। यहां पे अगर हम बात करें ये फिनॉक्साइड आयन, कहां पे? फिनॉक्साइड आयन पे। तो यहां अभी कहां पे है निगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन एटम में। अपने पास कोई कंजुगेशन की नहीं, कंजुगेशन पे है। अभी ये निगेटिव चार्ज यहां पे आएगा क्योंकि पाई बॉन्ड होगा, जब पाई बॉन्ड होगा तो अब कहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे। कार्बन पे कहां पे आएगा? कार्बन पे। एक टाइम पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, एक टाइम पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, दूसरे टाइम पे निगेटिव चार्ज कहां पे है? कार्बन पे। तो यहां पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहां पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेकिन यहां पे इक्वल इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या है? इक्वल। देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात लिखता है, ये क्या लिखा? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। यहां पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस पाया जाता है। क्या है? यहां पे अनइक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पे अन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या है? अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन द अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहां पर बताओ क्या रेजोनेंस है? यहां पे रेजोनेंस नहीं है। अपने पास ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यहां पे क्या हुआ? सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन होगा? एस्टेट आयन, फिनॉक्साइड आयन और ये एल्काइड आयन। ठीक है, लिख लो। आपके पास ये क्या है? NH2 माइनस और ये क्या है? OH माइनस। ठीक है, अपने पास देखो ये चीज है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप एक काम करो, क्या क्या पढ़ाना है? कॉमर्स। तो कॉमर्स वाले सर अभी आएंगे। ये क्या लिविंग ग्रुप है? क्या लिविंग ग्रुप की बात कर रहे थे? अच्छा बताओ इसमें NH2 और OH- में कौन सा लिविंग ग्रुप है? अच्छा, अगर नंबर वाला कौन है? तो भी दो दस मिनट रुक कर पार्ट पार्ट दो। ठीक है, अपने पास ये एन एच टू माइनस लिखा और ये ओ एच माइनस लिखा है। अब बताओ इसमें कौन सा ज्यादा होगा? कौन सा? अच्छा सुनिए, मैं यूज कर। ठीक है, अपने पास इसमें बताओ कौन अच्छा एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा? जो अच्छा एसिड होगा वो वीकर बेस होगा, और जो स्ट्रांग एसिड होगा वो वीकर एसिड होगा, जो वीकर बेस होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। तो अपने पास यहाँ पे देखो ये NH2 को लिखा है, NH3 लिखा है, क्या लिखा है? NH3 अगर हाइड्रोजन दे दोगा, अपने पास ये वाटर मॉलिक्यूल लिखा, क्या ये बेस है और ये न्यूट्रल है, एसिड भी नहीं है, बेस है। अगर इसका पीएच देखा जाए ना तो सेवन होता है कि नहीं? ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन ये बेसिक है। जो बेस होगा ना ये वीकर बेस होगा, तो ये वीकर बेस होगा नहीं, ये स्ट्रांग बेस होगा ना, तो ये और ये क्या होगा? वीकर बेस होगा। ठीक है, तो अपने पास जो गुड लिविंग ग्रुप होगा तो OH माइनस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ आएगी नहीं? फिर से देखें आया ना, देखो मेरे माइनस को वाटर है तो हो जाएगा। अरे जब एक हाइड्रोजन दोगे ना तो वाटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसको देगा तो अमोनियम हो जाएगा। ये स्ट्रांग बेस है ना,
और हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज है और हम कह रहे हैं जिसकी स्टेटिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगा वो उतना कम बेस होगा और वीकर बेस ही गुड लिविंग ग्रुप कहला रहा है। तो यहां पे बेसिक मतलब बेसिक स्ट्रेंथ पे तो ये वीक बेस है ना, इसलिए ये इसका लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक देखो आप यहां पे देखो यहां पे समझना इनमें कुछ नहीं था, तीनों में पास होगा। अच्छा, लिविंग ग्रुप कौन से जगह ये वाला होगा? मयूर तुम्हें हमने व्हाट्सएप में नंबर भेजा है। कौन ये वाला होगा? ठीक है, ये वाला। ठीक है, अभी रिपोर्ट करते हैं। देखो इनमें देखो रेजोनेंस इसमें भी पाया जा रहा है, रेजोनेंस इसमें भी पाया जा रहा है, रेजोनेंस इसमें भी पाया जा रहा है। ठीक है, देखो अगर हम इनमें इनमें कंपेयर करें, देखो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, कभी ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, कभी नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे दो जगह ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कितनी जगह जा सकता है? तीन जगह, एक ये है, दो तो अपने पास लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी तुम्हारे और मेरे नंबर भेजा होगा, नंबर भेजा है तुम्हारे को, देखो ना सर का व्हाट्सएप में, नहीं बहुत पहले भेजा। ठीक है, अब देखो ये कारण क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, लेकिन ये जो फ्लोरीन है ना ये निगेटिव अपनी इसे खींचने की कोशिश करें, क्या करें खींचने की कोशिश करते, स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा तो इसकी तो ठीक है, इसी प्रकार हो जाता है ये ओ एस बी प्लस के। ठीक है, और ये एन टू प्लस सबसे ज़्यादा ये सीख में। ठीक है, आज के लिए ग्रुप इतना ज़्यादा है। ठीक है, इसमें और क्या बात करेंगे।